नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 यानी 124 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही समझना है फिलहाल कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में दिया है, 124 यानी 124। हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र के अधिकार उसे प्राप्त हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों को समान रूप से मिले हैं और कौन कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समान रूप से नहीं मिले हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत दो क्षेत्राधिकार हैं, एक है प्रारंभिक एक मेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती सिंचन क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि आर्टिकल 134 ए और आर्टिकल 132 को साथ में मिला के पढ़ने से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार जो हैं संवैधानिक क्षेत्राधिकार पहला, दीवानी क्षेत्राधिकार, फौजदारी क्षेत्राधिकार। तो ये मुख्य रूप से तीन हैं, वैसे चार वर्गों में विभाजित किया गया है, चौथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए उसको मैंने मेंशन नहीं किया, वैसे चार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है, न्यायिक पुनरावलोकन करता है और न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन भी करता है। तो ये वो बिंदु हैं, ये वो क्षेत्राधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं। अब उसकी परिभाषा में जाएंगे कि आखिर में है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। पहले आते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार मतलब सिर्फ और एकमेव का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त हो उसे बोलेंगे एकमेव, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करता है या उसके द्वारा ही की जा सकती है। जैसे मतलब इसकी सुनवाई कोई और न्यायालय नहीं करेगा, ये इसका आशय है। किस तरह की विवाद और किस तरह के मामले जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट हल करता है। पहला है भारत सरकार, ध्यान देंगे भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसको हल करेगा। दूसरा भारत सरकार और संघ का कोई राज्य एक ओर हो तथा दूसरी ओर एक राज्य तथा अन्य राज्यों का विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा बिंदु दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों से संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। सीधी सीधी अगर बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं कि राज्यों और राज्यों के मध्य विवाद हो रहा हो या भारत सरकार और राज्यों के मध्य विवाद हो रहा हो तो हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा जो है उसी का जो पार्ट है वह है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार हैं इसके पास। समवर्ती का मतलब हो जाता है दोनों का मतलब होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है मौलिक अधिकारों को की रक्षा करना या मौलिक अधिकारों को लागू करना,
और वही सेम पावर हाई कोर्टों को भी प्राप्त है जो विभिन्न राज्यों में होती है। तो इसीलिए इसको प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। दोनों चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, इसीलिए बहुत इत्मीनान से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट भी आता है कि सर आप बहुत थोड़ा जल्दी कभी कभी तेज़ कर देते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँ तो समझिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय से आप क्या समझते हैं कि अपील की जा सके, ठीक है ना, अपील की जा, अपील किस तरह के, पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और समझते रहेंगे साथ में, आर्टिकल भी आपको दिमाग में रखना है कि आर्टिकल किन आर्टिकल की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल मिलाने के लिए भी आता है। तो आर्टिकल 134 ए और आर्टिकल 132 को अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में हमें पता चलता है। इसके अंदर क्या गत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्टों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार हो जाता है। तो अपील किसके विरुद्ध सुन रहा है, तो वो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं जो विभिन्न राज्यों में हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय अगर वो कोई निर्णय देता है और उसके उस किसी को लगता है कि वो निर्णय कुछ त्रुटिपूर्ण है या फिर उसको उसमें संतुष्टि नहीं है तो वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसको चार भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तीन भाग की चर्चा करूँगा, कि तीन ही महत्वपूर्ण है। पहला है संवैधानिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार और तीसरा है फौजदारी क्षेत्राधिकार। संवैधानिक जैसा कि नाम है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उससे संबंधित अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आर्टिकल 132 के अंतर्गत आता है। तो ऐसा विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधित कानून का कोई प्रश्न निहित हो तो वो संवैधानिक क्षेत्राधिकार आता है। दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार, कानून की व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो कानून की व्याख्या से तो फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फौजदारी क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 134 का प्रयोग करेंगे, ऐसे मामले में अपील की जाती है इसमें जहां पर हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय, अब हाई कोर्ट मतलब कि हम राज्यों की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय के अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया गया हो, ठीक है। यदि मतलब कि यहाँ समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया हो, जो अभियुक्त है कहाँ का अभियुक्त है, जो हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय हैं वहाँ का अभियुक्त है वो, उसको अपराध मुक्त कर दिया गया हो तो कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये मैं इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरा है हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय, फिर समान चीज़ है, मतलब हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालयों में किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया हो, अगर मृत्युदंड दे दिया गया हो तो फिर उसको क्या कर दिया, अगर मृत्युदंड दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा है हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य है तो भी आप कर सकते, अपील की जा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं बाबरी मस्जिद विवाद जो रहा है उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मेरे निर्णय के बाद भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, तो जिसकी सुनवाई आप जान ही रहे हैं कि आजकल चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखते हैं पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार का मतलब पुनः विचार करना, पुनर्विचार का मतलब पुनः विचार करना, पुनर्विचार मतलब कि कोई विचार किया जा चुका है, अब हमको ऐसा महसूस होता है कि वो निर्णय में कुछ त्रुटि हो सकती है तो दोबारा विचार किया जाए और सही निर्णय लिया जा सके, तो उसे पुनर्संबंधी क्षेत्राधिकार करते हैं, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। इसको आर्टिकल 137 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता समझे तो उसमें उचित परिवर्तन कर सकती है।
मतलब अपने ही द्वारा जो निर्णय दी गई दिया गया है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, उसको अगर आगे चल के महसूस होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है या फिर वह संबंधित पक्ष के से संबंधित पक्ष में वो न्याय योग्य नहीं रहा है या कुछ अन्याय हुआ है किसी पक्ष के साथ, तो दोबारा पुनर्विचार कर सकती है, तो पुनर्विचार याचिका भी पड़ती है। चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श मतलब कि कुछ आइडिया देना, परामर्श देना, कुछ विचार विमर्श करके कुछ आइडिया प्रदान करना सामने वाले को सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर किसको आइडिया देने की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को आइडिया देने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की बात की गई है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व का मतलब लोगों के, जनता के हितों से संबंधित है, उनको प्रभावित करता है, तो उसके संबंध में वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। तो यह है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो वह यह क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि परामर्श वह दे या ना दे। तो वही चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श राष्ट्रपति को दे सकती है, अगर वह चाहे तो नहीं भी दे सकती है। और उसी तरह राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त हुआ है वह उस पर अमल करे या ना करे, यह उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को माने या ना माने। और सुप्रीम कोर्ट को भी यही इसी सेम क्षेत्राधिकार है कि वह परामर्श दे या ना दे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है परामर्श से संबंधित क्या, कि संवैधानिक मामले में परामर्श के लिए कम से कम, परामर्श के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर अन्य कोई अपीलीय मामला है तो उसकी सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो आपको याद करना है कि परामर्श अगर देना है राष्ट्रपति को तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने ही चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो याद करेंगे। अब आते हैं अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा करते हैं। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है रिकॉर्ड। अभिलेखीय न्यायालय यानी रिकॉर्ड, कोई चीज़ होती है आप भी रिकॉर्ड में रखते हैं आगे भविष्य के लिए, कोई चीज़ कि आप सेव करके रखते हैं कि ये चीज़ हमारे रेफरेंस पॉइंट में हम आगे भविष्य में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी इतना कैसा है, अभिलेखीय न्यायालय, जो भी वो हाल फिलहाल में निर्णय देता है या जो पुराने निर्णय दे चुका है भूतकाल में, उसका प्रयोग वो आगामी या वर्तमान में किसी ऐसे विवाद को निपटाने के लिए करता है जो किसी पुरानी संबंध समस्या से संबंधित हो, जिस पर उसने कभी निर्णय दिया हो, तो वो रेफरेंस पॉइंट की तरह पुराने निर्णय का इस्तेमाल करता है, फिर वह निर्णय देता है। तो ये अभिलेखीय न्यायालय का संबंध आर्टिकल 129 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिखित व भारत में सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि जो भी उसने निर्णय दिए हैं, जो भी रिकॉर्ड है, उसका प्रयोग पूरे भारत में कहीं भी एक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कि ये रेफरेंस पॉइंट है, इस बनाम इसमें ये निर्णय दिया गया था, तो इसको हम संदर्भ लेते हुए ये निर्णय हम देने जा रहे हैं और इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। अगर अवमानना होती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जैसा मैंने बताया। अब आते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। अब यहाँ पर हमको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है राज्य के द्वारा, और राज्य की परिभाषा में कई लोग आते हैं, उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो राज्य के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो वह राज्य के विरुद्ध में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, लेख जारी कर सकता
है जिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए वो विभिन्न विभिन्न लेखों को जारी कर सकती है। उदाहरण देखते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैं बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, आज इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ मैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर बता दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो पूरी बना चुका हूँ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्यक्षा का लेख रिट जारी कर सकता है, लेख या रिट जारी कर सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये न्यायालय के विरुद्ध जारी किया गया रिट है, ये भी याद रखेंगे, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। फिर देखते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का क्या मतलब होता है? न्याय का पुनराविलोकन करना मतलब कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने इस न्याय पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। वो ऐसी विधि यदि कोई विधायिका बनाती है या संसद बनाती है तो अगर उसको लगता है कि वो न्याय योग्य नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो वह उस पर प्रतिबंध लगाती है, उस पर रोक लगा देती है। इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। और न्यायिक पुनराविलोकन के द्वारा विधायिका द्वारा बनाया गया कानून व कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन न्याय पुनराविलोकन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। यहाँ पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक प्रशासन के संबंध में भी कुछ क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर सकता है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि महत्वपूर्ण जो क्षेत्राधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे आर्टिकल के साथ, और ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के समान हैं, मतलब समान रूप से प्राप्त है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है वही हाई कोर्ट को भी, और कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों अलग अलग रूप से प्राप्त है, इसकी भी चर्चा करेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।